सिंह साहब द ग्रेट की पूरी टीम माइनस सनी देओल पहुंची इस फिल्म को प्रमोट करने। इस इवेंट पर फिल्म के सिंगर्स ने लाइव परफॉर्म किया और साथ ही जॉनी लीवर ने ऑडियंसेस को यहां खूब हंसाया। इस इवेंट पर सिंगर सोनू निगम ने इस फिल्म के साथ जुड़ने के अपने एक्सपीरियंस को जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। इस साल हमारी दो फिल्में एक तरह से आई हैं। एक तरह मैंने सुपर से ऊपर में विक्रम घोषी के साथ में कंपोज किया है म्यूजिक, जल ऑलरेडी आने वाली है, और सिंह साहब की ग्रेट में एक गाना मैंने दिया है, थोड़ा सा टाइटल सॉन्ग है और इसलिए अकेला बनाया। इसे इतनी तारीफ होगी नहीं सुना सोचा था कभी। आई न्यू कि लोग पसंद आएगा, लेकिन जितना पसंद आ रहा है, और क्योंकि मैंने गाया अलग है, उसको कंपोज भी अलग किया हुआ है, थोड़ा सा ठहराव वाला काम है, बजाय कि सिंह साहब दी ग्रेट सिंह साहब वैसे किया मैंने, एक नॉर्मल सी बीट लेके उसमें पावर लेकर आया। गोविंद सिंह दे तो कुमार ने अच्छा लिखा है, आई एम जस्ट हैप्पी कि गाना लोगों को इतना पसंद आ रहा है। साथ ही यहाँ जॉनी लीवर ने भी हमें बताया कैसे इस फिल्म के लिए हर किसी ने अपनी जी जान लगाकर काम किया है। बहुत खुशी की बात है, अनिल शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है और हमारे राइटर्स ने भी बड़ी मेहनत की है। बहुत ही मतलब मैं 400 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन इस फिल्म में मैंने देखा कि मेहनत क्या होती है, कितनी मेहनत से फिल्म बनती है। वाकई जेन्युइनली बहुत मेहनत से फिल्म बनी है और डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगी। साथ ही यहाँ फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी इस बात का भरोसा जताया कि ये फिल्म लोगों को जरूर पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है फिल्म भी पसंद आएगी। टेलर पसंद आया, म्यूजिक पसंद आई, हाफ बैटल इज वॉन, मुझे लगता है फिल्म भी पसंद आएगी। वेल वी होप अनिल की उम्मीदों के मुताबिक ऑडियंस को ये फिल्म भी पसंद आ जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।